हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी टिक्की। ये जो आप सामने डोर कर्टन्स देख रहे हैं, ये हैंडमेड कर्टन्स है और वो भी पुराने कर्टन्स को रीयूज़ करते हुए। तो ये ब्यूटीफुल सा स्क्रीन मैंने कैसे बनाया, किस तरह से तैयार किया, इसका आइडिया आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो एंजॉय कीजिए वीडियो को। चलिए फिर देर नहीं करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं अपना नॉर्मल कॉटन्स आपको दिखा रही हूँ। देखिए, मैं पहले ये लगाई थी तो ये भी मैं बनाई थी। अभी नए घर में कुछ चेंजेस लाने का मन किया तो कॉटन्स में, तो मैंने कुछ इस तरह का डिजाइन सोची। ये देखिए, मैं दोनों नॉर्मल स्क्रीन को कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखते हुए मैं दोनों को ऊपर के तरफ से जोड़ लूँगी। तो डिज़ाइन किस तरह का रखूँगी मैं आपको सैंपल दिखाऊँगी अभी। तो इस तरह से मैं जोड़ लूँगी, ये लेयर रहेगा, पूरा जॉइंट नहीं होगा, सिर्फ ऊपर जॉइंट होगा। तो सैंपल किस तरह से देखिए, ये है सैंपल, इस तरह से बनेगा मेरा स्क्रीन। ये एक लेयर है बट वो दो लेयर का बनेगा, पैटर्न ही सेम रहेगा। और रिंग हुक अटैच करने के लिए देखिए, हम कुछ कुछ दूरी पर कुछ इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अभी मैं रिंग आपको अटैच करके भी दिखाऊंगी किस तरह से हम लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो अभी बना बनाया स्क्रीन भी देख लीजिए। ये देखिए, मैंने बना के लगा भी लिया। यहाँ पे देखिए, टोटल 3 स्क्रीन लगा हुआ है। तो साइड साइड में जो लगा है वो 2 लेयर वाला स्क्रीन है और बीच में है वो बिना लेयर वाला स्क्रीन। तो देखिए, मैंने बांध भी लिया कुछ इस तरह का। कितना सुंदर लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल। ये ख़रीदा हुआ बहुत कॉस्टली आता है, आप सर्च कर लीजिए। और मेरा घर बिखरा हुआ थोड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको, तो उस चीज़ को इग्नोर कीजिए क्योंकि मेरा अभी तक सामान सेट नहीं हुआ है। तो डाइनिंग टेबल का ग्लास अभी तक वो पर्दे के पीछे ऐसे रखा हुआ है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, तो इस तरह का वीडियो मैं लाती रहती हूँ। ओके देन, बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।